तो भैया वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चित्रा अंगड़ी, अपनी महिंद्रा बोलेरो जो कि यार 2011 वाला मॉडल है। सो यार अभी आप देखो टायर लेने जाते हो, देखो यार अभी आप नए टायर लेने जा रहे हो, देखो आप भी आपका बजट है, देखो अपोलो में या MRF के अंदर देखो कई ऐसी चीज़ें रहती है जो कि यार बढ़िया भी रहती है और बेकार भी रहती है। देखो जैसे बोलेरो आती है ना, महिंद्रा आती है ना, महिंद्रा के अंदर बोलेरो एक वेरियंट है तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सब वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। बट या जो अभी टायर है ना जैसे कि अपोलो, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने मिल जाते हैं, यानी कि 215/75/15 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन देखने मिल जाती है, अलग अलग मतलब जो बोलेरो टायर देखने मिल जाता है अपोलो के अंदर भी और सेम साइज़ के अंदर। बट जो आज आप लेने जा रहे हो जैसे कि यार टायर, तो यार आपको मतलब कि यार दुकान वाले बताऊँ कैसे चूना लगाते हैं अपने, देखो यार आपको बता देता हूँ, देखो दुकान वाले बताऊँ कैसे चूना लगाते हैं। देखो अभी आप लेने जा रहे हो देखो टायर, अभी आपको एक दुकानदार बताया जो कि यार अच्छे से मतलब 11,000 के अप्रोक्स बता दिया, महिंद्रा बोलेरो के दो टायर जो कि यार अभी एक जोड़ा बोलते हैं देखो देसी भाषा के अंदर, एक जोड़ा 11,000 के अप्रोक्स बता दिया आपको जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर भी दे रखा है। तो यार अभी आपको बताऊँ तो यार अपनी गाड़ी के अंदर अब आप ऐसे सोचोगे कि यार वो महंगा दे रहा है तो आप दूसरी साइड जाओगे, मतलब कि यार दूसरी दुकान, अब जाहिर सी बात है देखो कंपेरिजन बनता है, देखो अब कंपेरिजन भी ऐसे होता है कि जैसे कि यार अभी अभी ये कई दुकान वाले के पास देखो टायर ही भी का तो वह क्या है वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, जैसे कि यार आप दूसरी दुकान पे जाओगे तो फिर वो क्या है कि आपको थोड़ा आप वैसे जब बोलेगा कि यार 10,000 के अप्रोक्स है अपनी टायर, तो आप ऐसे सोचोगे कि यार ये सस्ता दे रहा है तो आप इससे डलवा लोगे, बट जो भाई वो सस्ता नहीं दे रहा। देखो अभी वो स्कैम कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आपको, एक बजी वो बताऊँ कैसे स्कैम करते हैं। देखो अभी आप टायर लेने गए ना, आप उसके पास डलवा लोगे, अब जो इसके अंदर देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है जो कि यार आप बिल्कुल भी डलाते वक्त बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हो, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यार अपनी गाड़ी के अंदर आपको बताता हूँ कि यार वो कहाँ लिखी हुई रहती है, देखो अपोलो के अंदर इनके अंदर देखो हर कंपनी का अलग अलग रहता है जो कि यार अलग अलग लिखी हुई रहती है, जो कि यार अभी आपको बता देता हूँ। देखो अगर अपने चैनल पर आप नए हो तो यार सबसे पहले यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो देना, अभी बता देता हूँ। देखो एक तो ये आउटर एरिया है जो कि यार इस पर तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी अंदर, ये देखो बाहर की तरफ भी दे रखी रहती है, ये भी बेसिकली देखो यहाँ पर देखो इसलिए अपोलो की बेसिंग देखने के मिल जाएगी और यहाँ पर टायर साइज़ देखने मिल जाएगी जो कि यार 215/75/15 है अपनी बोलेरो की रिम साइज़, देखिए 15 इंची देखने मिल जाती है। अभी देखो यहाँ पे भी वही देखने मिल जाएगी 215/75/15। अब देखो यार आपको बताऊँ तो यार अभी देखो दुकान वाले बताऊँ कैसे चूना लगाते हैं, अभी देखो आप टायर लेने गए जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, एक महंगा बता दिया एक सस्ता बता दिया, अभी आप कहाँ जाओगे जो सस्ता दे रहा है, जाहिर सी बात है। देखो अभी देखो एक तो फ्रेश टायर रहता है, एक देखो चला हुआ रहता है, चला हुआ तो क्या ही पड़ा हुआ रहता है जो कि यार सूख जाता है, फिर वो क्या है ख़राब हो जाता है देखो पड़ा पड़ा। अभी यार आपको बताऊँ तो अभी आप जब भी लेने जाओ तो टायर की एक बार नोटिस कर लेना कि भाई ये अपन नया फ्रेश है या नहीं, देखो पुराना है या मतलब ज़्यादा पड़ा हुआ तो नहीं है, मतलब यार रखा हुआ नहीं है, बिका हुआ नहीं है माल, तो ये देखना अभी इस पर लिखा हुआ रहता है। देखो यार देखो ये दे रखा है बाहर की तरफ 10वां वीक 2022 के अंदर बनी हुई है ये, अभी एक महीने के अंदर 4 वीक देखने को मिल जाते हैं। देखो अभी यार देखो ये मार्च के अंदर बना हुआ है, मार्च के अंदर दूसरे सप्ताह के अंदर बना हुआ है 2022 के अंदर ये वाला टायर, देखिए यार अभी अपन चेंज करवा रखे हैं इसको ऐसे ही है भाई। आप एक बार कभी भी टायर वायर कुछ भी लेने जाऊँ तो भाई देखो हर पार्ट रहता है अपनी गाड़ी की जो कि यार मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है हर पार्ट्स पर, अगर आप लेने जाओ तो वो भी एक बार चेक कर लेना जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई इसी टायर के अंदर है, अभी आप अपोलो चाहिए इसी गाड़ी के नहीं है, ये कोई कंपलसरी है, देखो हर गाड़ी पे आप जाओगे ना हर गाड़ी भी अलग अलग रहती है। देखो जैसे कि यार आप ग्लेंजा पे जाते हो या बेलेनो पे जाते हो या स्विफ्ट पे जाते हो या फिर स्कॉर्पियो पे जाते हो, देखो हर टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है जो कि यार पहले लिखी हुई रहेगी ना, जैसे कि यार 10/2022 है ना। अब जैसे सोचोगे कि यार भाई फोर व्हीलर पर ही आती है क्या, भी देखो आपको मोटरसाइकिल की पे भी बता देता हूँ वो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की लिखी हुई रहती है। देखो अगर अपने चैनल पर आप नए हो तो यार सबसे पहले यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देना भी आपको बता देता हूँ मोटरसाइकिल की बता देता हूँ देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब जैसे कि यार इसके अंदर शायद इसके अंदर TVS का टायर डला हुआ है जो कि यार इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बता देता हूँ आपको क्या है कहाँ लिखी हुई है। देखो हर गाड़ी पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है, जैसे कि यार इधर की साइड तो नहीं दे रखी तो उधर की साइड एक साइड ही देखने को मिल जाती है, देखना भी बता देता हूँ आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। इनकी क्या है कि वो चलते हैं नंबरिंग, देखो ये रही इस पे ये रही 45वां वीक 2020 का डला हुआ इसके अंदर टायर,
ये आपको नज़र आ रही होगी भाई, हर गाड़ी के अंदर ऐसा दे रखा रहता है, तो क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखो आखिर में होना भी चाहिए, देखो अगर कोई भी बंदा देखो चूना दुकान वाले लगाने में कमी नहीं छोड़ते बेसिकली आपको बताऊँ तो। अब अगर आपको ही मतलब ऐसा करके चलना पड़ता है कि आपको ही देखना पड़ता है कि इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि टायर सही भी है या नहीं, देखो अगर आप नहीं चेक करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है देखो गाड़ी के अंदर टायर खरीदने मेरे लिए। मेरा मानना तो यही है, एक बार आप देख कर ले टायर को रिंग को। तो यार आपको पीछे वाले टायर की बता देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर दे रखी है, जैसे कि यार आगे वाले तो जोड़ा साथ में डलाया हुआ है, तो आपको पीछे वाला ही बता देता हूँ कि वो किस प्रकार से दे रखी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखना अभी पीछे वाले की बता देता हूँ, देखो हर टायर की अलग अलग रहती है, जैसे कि यार वो 2022 का बना हुआ है तो ये शायद मेरे साथ 2021 का बना हुआ है, क्योंकि यार नया टायर डलाया हुआ है अपना। तो यार अभी आपको बता देता हूँ, अब देखना 2020 का डलाया हुआ है यार। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि यार अपनी गाड़ी की जो भी यार अपन टायर लेने जाते हैं, देखो गाड़ी के हर पार्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है। जैसे यार आप लाइट लेने जाओगे तो लाइट पर सभी चीज़ पर भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है। अभी यार देखो अपनी गाड़ी के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड ले लो या फिर सभी से रिलेटेड ले लो, यार अपनी गाड़ी के अंदर ये सभी चीज़ें लिखी हुई रहती है। देखो यही चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है अपनी गाड़ी में। देखो आप कोई सी भी कंपनी पे जाओगे तो कंपनी के अंदर जाओगे तो यार हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है हर चीज़ की, मतलब कि यार आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड ले लो या फिर आप अब जैसे कि कल वाली वीडियो के अंदर बताया था जैसे कि यार ग्लास से रिलेटेड ले लो, देखो हर चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे यार आपको टायर का इंस्पेक्शन बताया देखो, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आप जाओगे ना लेने के, जैसे कि यार न्यू टायर लेने जा रहे हो आप कम, तभी आपको यार दुकान वाले ऐसे चूना लगाते हैं जैसे कि यार वो भाई जिस किसी को नॉलेज नहीं रहता ना कि यार टायर के बारे में, देखो यार कई को नॉलेज नहीं रहता कि भाई इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है और इसका भी नुकसान एक अलग से रहता है कि भाई ये सही है भाई। हर चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है अपनी गाड़ी का, जो कि यार सभी को नॉलेज होना चाहिए। जो यार अभी यार कई बंदों को पता नहीं रहता कि भाई टायर की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई आती है देखो टायर पर। अगर आपको नहीं पता था तो भाई एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी यार देखो अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टायर पर ही हो, टायर के देखो यार टायर को ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी का ही हो, यार अपोलो का ही हो, यानी कि MRF का भी हो सकता है, CEAT का भी हो सकता है, या फिर JK का भी हो सकता है, ब्रिजस्टोन का भी हो सकता है। देखो अलग अलग कंपनी देखो यार ये सभी देखो चाइनीज़ कंपनी का भी हो सकता है, सभी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई रहती है, जो कि यार आखिर में होनी भी चाहिए, क्योंकि यार यही चीज़ें रहती है जो कि यार कोई भी बंदा जाता है ना नया तो उसको यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उनको मतलब यार टायर की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है कि मतलब कितना दिन पहले का बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है। हालांकि देखो 1-2 दिन 7 दिन तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इनके अंदर 6 दिन तो ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि यार वीक के बारे में दे रखा है, कई के अंदर तो पूरा ऑल ओवर दे रखा रहता है, मतलब पूरी ऑल ओवर डेट ही दे रखी रहती है कई कंपनीज़ के अंदर। तो बेसिकली देखो यार इनके लिए तो टायर का नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है अपनी गाड़ी के लिए, जो कि यार होना भी चाहिए। बेसिकली देखो यार आज के लिए तो बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।